हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। ये मेरा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखते हैं कि किसी भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको डेटा दिया गया है तो उसका मीन एंड मेडियन कैसे निकालेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रुप डेटा जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर चूंकि आपके पास ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं और उसके फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं, तो ये आपका डिस्क्रीट जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस होंगे तो इसका मीन और मेडियन कैसे निकालेंगे। हालांकि अनग्रुप डेटा का कैसे मीन मेडियन निकालेंगे ये ऑलरेडी मैंने जो है प्रीवियस वीडियो में बना रखा हूं। चलिए इसको देखते हैं। तो यहां पर जो एक्स आई है ये जो है आपके ऑब्जर्वेशन है, और फ्रीक्वेंसी है कि ये ऑब्जर्वेशन कितने बार आया है, ये ऑब्जर्वेशन कितने बार आया है। इसका मतलब ये, पहले इस टेबल को समझ लें। कई बार आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पर उसके टेबल में क्या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ये हमें नहीं पता। इसका मतलब ये है कि टू जो ऑब्जर्वेशन है वो दो बार आया है, थ्री ऑब्जर्वेशन आठ बार आया है, पांच फाइव ऑब्जर्वेशन जो वो टेन टाइम्स आया है, सेवन ऑब्जर्वेशन सेवन टाइम्स आया, एट ऑब्जर्वेशन थ्री टाइम्स आया। तो इसका अगर हम मीन निकालने जाएंगे तो यहां पर कुछ चीजें आपको निकालने पड़ेंगे। यहां पर सबसे पहले तो आपको इसका टोटल करना पड़ेगा, जिसको कि हम सिग्मा एफ आई भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप टोटल करेंगे तो सात तीन दस, दस बीस और बीस तीस, तो यहाँ थर्टी हो गया। अब आपको क्या करना है, एफ आई एक्स आई निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई निकालना है, ठीक है। तो दोनों का हम मल्टीप्लाई निकालते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई निकालेंगे तो क्या, टू टू जा फोर, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, फाइव टेन जा फिफ्टी, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन और एट थ्री जा ट्वेंटी फोर। तो यहां पर अब आपको क्या निकालना, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, मतलब इनको आपको जोड़ना है। अब इनको जोड़ के आप देखिए क्या आता है। तो यहां जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 151। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका हम क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका मीन निकालते हैं। तो मीन का फॉर्मूला यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहां पर आई इक्वल टू वन टू एन और यहां पर आ जाता है एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एफ आई। तो ये आपका हो जाता है, या आई टू वन टू एन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई हमारा क्या आया है, 151, और हमारा सिग्मा एफ आई किया है 30 आया हुआ है। तो इसको जब अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा जो है मीन हो जाएगा, ठीक है। 151 बाई 30 को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा मीन हो जाएगा। उसके बाद मेडियन की बात करते हैं। तो मेडियन में अगर हम देखें तो मेडियन में हमें इस जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं इसके हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने पड़ेंगे। तो ये तो हमने मीन निकाल लिया। अब यहां पर हम एक जो है लाइन और ऐड कर देते हैं और इसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम यहां पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जैसे टू है तो यहां पर टू आएगा, फिर एट और टू टेन हो गया, टेन टेन ट्वेंटी हो गया, ट्वेंटी और सेवन ट्वेंटी सेवन हो गया, थ्री और ट्वेंटी सेवन थर्टी हो गया। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं। पहला जो नंबर है वो एजीटी जाएगा, फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो उससे ऐड हो जाएगा, तो 8 प्लस 2 10, फिर 10 प्लस 10 20, 7 प्लस 20 27, 3 प्लस 27 30। तो आप देखेंगे कि मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है कि नहीं। अगर ये जो लास्ट वाला नंबर आना चाहिए वो आपके इसके टोटल के इक्विवेलेंट आना चाहिए, इसका मतलब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है आपका। अब ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसका मीनिंग क्या है, इस पे हम पहले देखते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि, तो चलिए देखते हैं इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है। इसका मतलब दो का मतलब यह है कि दो लोग ऐसे हैं जिनका ऑब्जर्वेशन दो आया है, और दस लोग ऐसे हैं जिनका ऑब्जर्वेशन तीन और दो आया है, बीस लोग ऐसे हैं जिनका ऑब्जर्वेशन पांच तीन आठ, मतलब पांच तीन और दो आया है, सत्ताईस लोग ऐसे हैं जिनका ऑब्जर्वेशन सात पांच तीन दो आया है, और तीस लोग ऐसे हैं जिनका ये सारे ऑब्जर्वेशन आए हैं। तो इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये है। अब आपको देखना है कि आपके पास कौन, आपके पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, थर्टी। तो थर्टी का मतलब क्या होता है, इवन। तो इवन केस में हमने क्या बताया था, इवन केस में जो मेडियन होता है वो एन बाई टू टूथ ऑब्जर्वेशन और एन बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का मीन होता है। तो एन बाई टू अगर हम बात करें, तीस है तो एन बाई टू कितना हो जाएगा, फिफ्टींथ, फिफ्टींथ ऑब्जर्वेशन और सिक्सटींथ ऑब्जर्वेशन का मीन होगा। तो अगर यहां से आप देखें तो फिफ्टींथ ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, दस के बाद, दस के बाद आपका कहां आ रहा है, 20 में। इसका मतलब 10 से लेके 20 तक जो कंसीडर होगा वो आपका यहां पर आएगा। तो 15th ऑब्जर्वेशन और 16th ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपका, 5 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 10 से 20 के बीच में, 15 और 16 जो है वो 10 से 20 के बीच में आता है,
तो इसका मतलब यह है कि 5 ही होगा 15, तो 5 प्लस 5 दोनों ही केस में, तो यहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा 5, तो ये आपका क्या हो गया मेन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट आपका जो ये वैल्यू निकलता 20th, 28th और 21th, मतलब 20 और 21वां ऑब्जर्वेशन होता, तो 20 के केस में तो आप 5 लेते, पर 21वां का केस में चूंकि 20 के बाद वाला इसमें आ रहा है तो 21वां का केस में आप 7 लेते, तो इन 7 प्लस 5 इन दोनों का जो मीन होता वो आपका मेडियन होता। पर चूंकि 15 और 16 जो 10 से 20 के बीच में आता है, तो 10 से 20 के बीच में मतलब कोई भी दो नंबर के बीच में आएगा तो नेक्स्ट वाले में कंसीडर होगा। तो इसका मतलब यहां 20 का मतलब क्या है कि 10 तक तो मतलब कि अगर 10 लोग जो है जिनका 3 या 2 आया हुआ है, पर 10 के बाद 11 से लेके 20 तक कंसीडर कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो इसका मतलब यह है कि 11 से लेके 20 तक जो लोग हैं उनका 5 आया ऑब्जर्वेशन, तो इसलिए 5 प्लस 5 बाई 2 5 होगा और ये मेडियन कहलाएगा। तो इस तरह से आपने देखा किस तरीके से मीन और मेडियन आप डिस्क्रीट जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आप निकाल सकते हैं, जहां पर आपको सिंपली कुछ नंबर्स दिए रहे, जैसे यहां पर कुछ मार्क्स दिए रहे उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहा है, क्रिकेटर्स के स्कोर दिए रहे उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस केस में आपको फॉर्मूला यहां पर मीन का ये लगाना है और मेडियन का आपका वही फॉर्मूला चलेगा, पर वहां निकालने का तरीका अलग हुआ, वहां पर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो ये अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।